तुम्हारे अलावा किसी को नजर उठा के भी देखा है भाभी जी को छोड़कर? बोले ये भाभी जी को कौन से कलर का सूट पसंद है? जाने दीजिए, अगर मैंने अन्नू का फेवरेट सूट बता दिया ना तो आपकी पैंट गीली नहीं पीली भी हो जाएगी। उसने फिर से 1.5 लाख रुपए की हीरे की शॉपिंग की है और यह हो गए 3,20,000। यस यस कट गई, आई नहीं है अकाउंट में, दी के लट काय। अच्छा भाभी जी का क्या फेवरेट कलर है? जाने दीजिए, जाने दीजिए, मुझे पता है, आई नो। आपको कैसे पता है? पता है तो पता है। अरे सरप्राइज है रूसा जान, एक मिनट। यार आई कांट वेट एनीमोर। अब अपनी खूबसूरत आंखें खोलो रूसा जान। ओके, ज्वेलरी बॉक्स, क्या है इसके अंदर? खोल के तो देखो बॉक्स, गुर्दे मुकवा जाएंगे। ओह माय गॉड, दिस इज कुंदन नेकलेस, अमेजिंग। मेरे लिए? सिर्फ तुम्हारे लिए। गॉड दिस इज सो अमेजिंग, थैंक यू सो मच। साहब हम क्या कह रहे, आप लगातार ऐसे फोन में टोकर टोकर का दिख रही। मैं वेट कर रहा हूँ कि कब वो लुक्खा मेरा कार्ड स्वाइप करेगा और मेरे पैसे कटेंगे। पैसा कट गए। हाँ, उसने कमर बंद ज्वेलर से पूरे 75,000 रुपए की शॉपिंग की है। साहब जी बहुत ज्यादा खर्चा हो रहे, पहले 1,00,000 रुपये कट गए। बेटा इतना घेटा आप लगा, साहब को कितनों पैसे कट गए? क्यों, आपको कैलकुलेशन नहीं आती क्या? 1,70,000। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, अगले महीने से जरूर आओ हमारी दुकान के क्योंकि घड़ो चोखो माल आ रही हो। आते रहेंगे। मैडम को लेके आओ। जे का एरो है? पता है, कमाल हो गया, मुझे टिल्लू ने 75,000 का ये नेकलेस दिलवाया है। दिस इज सो प्रिटी। प्लीज वेट। यो लो भाई साहब। कितने का है ये? यो 1,50,000 को। 1,50,000। मेरा उसने फिर से 1.5 लाख रुपए की हीरे की शॉपिंग की है और यह हो गए 3,20,000। यस यस कट गई, आई नहीं है अकाउंट में, दी के लट काय। साहब क्या कर रहे जो अपने साथ, आप जो अन्याय है आपको मतलब समझ में नहीं आ रही। 3,00,000 रुपये कट गए हैं, अब तो सारन को दबोचे चल के। एक्सक्यूज मी सर, पेशेंस इज द की, एम आई राइट सर? यू आर राइट मनोहर, अपु सिंह धैर्य ही कुंजी है। का गुनिया कुंजी है? आप तो धैर्य की कुंजी बनाए बैठे होते, आपकी जमा पूंजी लुट रही। तिवारी जी काफी अच्छा डांस कर लेते हैं आप। भाभी जी इसका श्रेय तो आप ही को जाता है, आप इतनी बेहतरीन नृत्यांगना है कि आपके स्पर्श मात्र से शरीर में थिरकन सी आ जाती है। थैंक यू तिवारी जी। अब पता चला कि आप भभूति जी को उंगलियों पर कैसे नचाती हैं। जी? एक बात बताइए भाभी जी, आखिर आपने भभूति जी में ऐसा क्या देख लिया जो आपने उन्हें चुना? तिवारी जी एक बात बताइए, आपको मेरी और विभू की शादीशुदा जिंदगी से इतना लगाव क्यों है? क्या आप अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश नहीं है? नहीं नहीं बहुत खुश है भाभी जी, बहुत खुश है। क्या अंगूरी जी आपको प्यार नहीं करती हैं? प्यार तो बहुत करती है भाभी जी, लेकिन हम तो केवल आपके प्यार में तड़पते रहते हैं। फिर से तिवारी जी, आपके होठ क्यों फड़फड़ाते रहते हैं? मुझे ना आज इसकी वजह जाननी है। भाभी जी दिल में बसी ख्वाहिश होठों तक तो आ जाती है, लेकिन आपके अदब में वो ख्वाहिश हम फूट नहीं पाते हैं।
इसलिए वो ख्वाहिश होठों तक आके रुक जाती है और ये होठ बस फड़फड़ाते से रह जाते हैं। ऐसी कौन सी ख्वाहिश है जो पूरी नहीं हुई? एक ख्वाहिश तो आज ही पूरी हो गई भाभी जी, देखिए ना आपके साथ वैलेंटाइन डे की शाम मनाने की। वो तो इसलिए मना रही हूँ क्योंकि वो आपके फ्रेंड और टैरो कार्ड रीडर पप्पी कटोच ने ऐसा करने को कहा था। अगर वो ऐसा करने को ना कहता तो मैं आपके साथ क्यों मनाती? ऑब्वियसली विभू के साथ मनाती ना। तिवारी जी मैं कुछ गलत बोल गई? तिवारी जी, अब तिवारी जी नहीं प्लीज अनु नहीं 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 ऐसे मत करो अनु अनु प्लीज अनु मत करो देखो मत करो मत करो अनु प्लीज प्लीज देखो अनु अनु तुम्हें मेरी कसम अनु तुम्हें मेरी कसम मत मेरी कसम साले जी भैया का है ये सब का हुआ पगली का हुआ ये आप अनु अनु का है चिल्ला रहे थे? हाँ कौन है ये अनु? एक दो मिनट, अनु तो भरभूति जी बुलाते हैं अनीता जी को, आप का है अनु अनु कर रहे थे? कुछ नहीं वो सपना सा देख रहे थे पगली। का सपना? वो का है कि हमारे एक तो दूर के कजिन है मस्तराम शुक्ला और उनकी जो साली है वो है अनु। हाँ हाँ अब याद आया, उस सपने में कहा था कि हमको ना ऐसे रंग लगा रही थी ऐसे, ऐसे तो हम मना कर रहे थे कि नहीं नहीं मत करो मत करो मत करो प्लीज प्लीज, हम तो कह रहे थे तो गलत कर रहे थे नहीं तो तुम्हें बताओ अगर वो रंग लगा देती तो तुम्हें बुरा मान जाती ना, है ना? तो अगर तुम कहो तो हम दोबारा सपना देखते हैं और रंग पुतवा लेते हैं। रंग का लगवाएंगे आप उससे, हम लगाएंगे ना आपको रंग। सारे लड्डू के भैया वो हम कुछ और ही समझ लिए थे कि आप पता ना एक अनु अनु कर रहे हैं। देखो एक तुम शक मत किया करो, आज तक हमने तुम्हारे अलावा किसी को नजर उठा के भी देखा है भाभी जी को छोड़ के। क्या बोले? देख पगली हमारे दिलो दिमाग में हमेशा तुम ही तो रहती हो और कौन रहता है? हमारे लड्डू के भैया, हमारी पगली। लव यू टू। प्यार को छूटते नहीं, लव यू टू। ऐसे ही पकड़े हैं हम भाभी जी के साथ वैलेंटाइन डे मनाएंगे, आनंद आ जाएगा, आनंद ही आनंद। अरे भभूति जी और क्या हो रहा है? भाभी जी के साथ वैलेंटाइन डे मनाने की तैयारियां चल रही हैं जोरों शोरों से। हम भी भाभी जी के ही साथ वैलेंटाइन बनाने की तैयारी कर रहे हैं जोरों शोरों से। गुड गुड गुड। लेकिन एक बात बताइए जी, ये भाभी जी को कौन से कलर का सूट पसंद है? जाने दीजिए, अगर मैंने अनु का फेवरेट सूट बता दिया ना तो आपकी पैंट गीली नहीं पीली भी हो जाएगी। ज्यादा फपलिए मत, समझे? बताइए ना, अनु का फेवरेट एक एक सूट डेढ़ डेढ़ लाख रुपए का, डेढ़ डेढ़ लाख रुपए का। ओह हाँ, ओह आप तो भाभी जी का दिया ही पहनते हैं। खैर छोड़िए यार, कलर बताइए ना, अब वो सूट की जेबों में काहे घुस रहे हैं? अनु का फेवरेट कलर है रॉयल ब्लू। रॉयल ब्लू? अच्छा भाभी जी का क्या फेवरेट कलर है? जाने दीजिए जाने दीजिए, मुझे पता है, आई नो। आपको कैसे पता है? पता है तो पता है। वैसे अंगूरी को कुर्ता पैजामा पसंद है? कुर्ता पैजामा तो नहीं है मेरे पास। तिवारी जी एक काम कीजिए, आप मुझे लाख रुपए दीजिए, पूरा पैकेज हो जाए, मैं कुर्ता पैजामा खरीद लूंगा, रात को डिनर हो जाएगा भाभी जी के साथ और होटल स्टे हो जाएगा। दिमाग फिर गया है, अंगूरी के साथ आप होटल स्टे करेंगे? ये किसने कहा? मैंने ये कहा होटल स्टे, भाभी जी को लाऊंगा यहाँ ड्रॉप करूंगा फिर होटल जाऊंगा वहां पे स्टे करूंगा। तो आप होटल में स्टे काय करेंगे यार? ऐसा है ही मेरी मर्जी। एक फुटी कौड़ी नहीं देंगे हम आपको, हम भी तो भाभी जी को लेकर जा रहे हैं, हमने तो आपसे कोई पैसा वैसा नहीं मांगा। देखिए अनु आपके साथ मजबूरी में जा रही है वैलेंटाइन डे मनाने के लिए, किस बदतमीज ने उसके दिमाग में ये फितूर डाल दिया है, अगर मुझे मिल जाए ना मैं जूतों से मारूंगा सर। क्या बकवास कर रहे हैं आप ऐसे कैसे किसी को भी जूते से मार सकते हैं भला? आपके बड़े इमोशनल हो रहे हैं, आपके चाचा लगते हैं क्या? नहीं, आपके फूफा लगते हैं वो। ओ कमान तेरी, ये छोटी कौड़ी नहीं देंगे,
जाना चाहिए नहीं चाहिए घुइया खेत में? तिवारी जी, तिवारी जी, हट, तिवारी जी। अच्छा जुगाड़ करना पड़ेगा। अबे कहाँ है तेरा प्रदीप सेठ, एक घंटे से वेट कर रहे हैं उसका। अबे मेरा प्रदीप सेठ कहाँ है वो, मैं तो उससे खुद पहली बार मिल रहा हूँ। हाँ तू तो कह रहा था कि तेरे दोस्त का क्लब है ये। अबे वो दोस्त का क्लब था, वो क्या है ना, सूर्या सेठ ने ये क्लब प्रदीप सेठ को भेज दिया। वो साला अक्सर लोगस बोगस जुआ खाने में जुआ खेलने जाया करता था। हाँ लोगस बोगस, अबे लास वेगस। गुरु जी बोलने चला। मिस्टर विभूति नारायण मिश्रा, प्रेम चौधरी। माय नेम इज प्रेम चौधरी एंड ही इज माय बेस्ट फ्रेंड विभूतिया नारायण मिश्रा। विभूतिया, ये कैसा नाम है? अनीस ने इनका हाजरा तंग है। मेरा नाम है विभूति नारायण मिश्रा प्रदीप सेठ। मैं प्रदीप सेठ नहीं हूँ, मैं इनका बॉडी गार्ड हूँ मानिकचंद। हाँ और सेठ जी अभी आते ही होंगे। प्रेम चौधरी, माय सेल्फ प्रेम चौधरी एंड माय फ्रेंड विभूति नारायण मिश्रा प्रदीप सेठ। मैं प्रदीप सेठ नहीं हूँ, मैं उनका बॉडी गार्ड हूँ। प्रदीप सेठ आते ही होंगे। बड़ा एटीट्यूड है यार, दो बॉडीगार्ड आ गए अभी तक, प्रदीप सेठ नहीं आए। हेलो मिस्टर प्रेम चौधरी। हेलो आई एम बॉडीगार्ड। तू तीसरा बॉडीगार्ड है। जाके अपने प्रदीप सेठ को बोल कि बॉडीगार्ड ही भेजता रहे, आने की जरूरत नहीं है। ये क्या चीज़, क्या शो ऑफ कर रहा है यार, कोई छोट भैया होगा ऐसे ही। लंबी लंबी। और सुनो, जाके बोलो अपने प्रदीप सेठ को कि हम आए। जा, जाने की जरूरत नहीं है, आपने खुद ही बोल दिया है। मतलब? मतलब मैं ही प्रदीप सेठ हूँ। I'm extremely sorry, I'm really really sorry, okay? मैंने आपको पहचाना नहीं, आपकी पर्सनैलिटी बड़ी unassuming है। ये लग रहा है लोगोस बोगस का, वहीं से आया एकदम। yeah. चलिए गेम मैं शुरू करता हूँ और पत्ते मैं लगाऊंगा। पत्ते मैं लगाऊंगा? तुम अभी बच्चे हो, मैं लगाऊंगा। देखिए देखने में जरूर बच्चा लगता हूँ, लेकिन पत्ते लगाने में अच्छा अच्छा का बाप हूँ। अबे ओ विभूति, क्यों बड़े आदमी से बहस कर रहा है, इसको पत्ते लगाने दे ना। मेरी 10,000 की चाल। मेरी भी 10,000 की चाल आई। कहाँ से आई, दिख तो नहीं रही है। देखो बरसुदार, अगर हार गए तो डोंट वरी, उसकी नौबत नहीं आएगी। लोग मुझे जुए का अंडरटेकर भी कहते हैं। अंडरटेकर? मैं जुए में देता कुछ नहीं, सिर्फ लेता हूं। मैं तो भाई पैक हो रहा हूं। मेरी 25,000 की प्लान। मैं पत्ते देखूंगा। तो फिर उसके लिए आपको 50,000 डालने पड़ेंगे। तो दे दूंगा, कौन सा भाग रहा हूं यार। मैंने कहा भाई साहब मैं दे दूंगा, मैं कहाँ भाग रहा हूँ, कानपुर में रहता हूँ और कहाँ जाऊंगा। ओके तो शो करूं? श्योर। अब मैं पत्ते खोलता हूँ। I win the game. नहीं। हेलो सर, पटकने की जरूरत नहीं है, अगर 60,000 रुपए हमारे क्लब को नहीं दिए ना तो हमारे बॉडीगार्ड तुम्हें कानपुर की सड़कों पे कपड़े उतार के तुम्हारे दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। मैं कल सुबह पैसे दे दूंगा। श्योर? श्योर। ओके। अबे ओ साले विभूति, तू कल सुबह पैसे कहाँ से लाएगा बे? जब मैं गायब ही हो जाऊंगा तो पैसे देने की नौबत ही नहीं आएगी। 4-5 दिन टाल दूंगा इसको, फिर कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लूंगा, लेकिन फिलहाल तो मैं भाभी जी के साथ वैलेंटाइंस मनाने पर फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो यार, तुम मुझे जल्दी करो। अरे हेलो मैडम, ये कौन है? रेस एंड ब्रेक कार्स में आपका स्वागत है। रेस एंड ब्रेक कार का एक ही वादा,
पैसा कम क्वालिटी ज्यादा, इसीलिए तो 75 सालों से भरोसे का एक ही नाम रेस एंड ब्रेक कार्स। होगा तेरो हम कुछ कह लें? हाँ बोलिए सर। हमारे मैडम को एक अच्छी सी कार दिखाओ। यस सर। ठीक है, व्हाट अ सरप्राइज, माय हार्ट इज रेसिंग, तुम मुझे यहाँ पे कार दिलाने आए हो, हाउ स्वीट, लेट मी जस्ट चेक। ये तो कहा? यस सर। मैडम को एक अच्छी वाली कार दिखा दे, समझ गए? जो कार कितने की है? 5 लाख है ना? 5 लाख। एक्सक्यूज मी, मोबाइल किसका है? आपका। तो मैसेज कौन देखेगा? आप। पीछे हटो, पीछे हटो। मनोहर 5 लाख। रुस्सा जान तुम यहाँ और टीका तू भी? अबे यार तुम दोनों को मैं कहाँ कहाँ नहीं ढूंढ रही हूँ। पता है तो कमाल हो गया, टीके ने मुझे कार गिफ्ट में दी है। इस बेकार आदमी ने कार दिलाई? अबे कितने की दिलवा दी बावले? 5 ब्लैक बक्स। रुस्सा जान, एक्सक्यूज मी। क्या हुआ सर? 7 लाख। अरे दादा 7 लाख रुपये साहब। ओह माय गॉड सर, सर 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 रेशु। हम आपको जो बताना चाह रहे हैं आप बिल्कुल बेसुध हो गए हो। 14,70,000 रुपये कट गए आपके अकाउंट से। अब चल के दबोचे ससुरों को कि 20-25 लाख रुपये तक वेट करें। जो लोग आपको पहले दबोचे ये उम्मीद भरो, अब दे रही।